हेलो नमस्ते, वेलकम टू डेज विद रूपा। में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिगाशी होनगंजी टेम्पल। ये टेम्पल क्योटो स्टेशन से बहुत पास में है। देखिए क्योटो टावर भी दिखाई दे रहा है, इतना पास है। और ये पूरा एक वुडन टेम्पल है और देख के लग रहा है थोड़ा सा रेनोवेशन भी का काम भी किया गया है। और ये बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप क्योटो स्टेशन आते हैं तो यहाँ पे जरूर आए, स्टेशन से बहुत पास में है। देखिए ये टेम्पल कितना बड़ा है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है, दुनिया का सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर में आता है। देखिए सामने के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, कितने छोटे लग रहे हैं स्ट्रक्चर के सामने। चारों तरफ ये एक हॉल है। मैं आई हूँ यहाँ पे शाम के वक्त, तो इसीलिए ये विंटर का इवनिंग पूरा एकदम गोल्डन जैसा लग रहा है। और भी गोल्ड प्लेटेड जगहों पे वो और भी ज्यादा चमक रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड एरियाज। देखिए ये दो हॉल है। बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे एक रस्सी रखा हुआ है, तो बोलते हैं कि जिस तक इस टेम्पल को बनाया जा रहा था उस वक्त रस्सी की कमी हो गई थी, तो उस वक्त औरतों ने अपने लंबे बाल दान में दिए थे, उन बालों से रस्सी बनाई गई थी। ये सामने है क्योटो टावर। यहाँ से प्लास्टिक का पैकेट लेके उसमें जूते रख डाल के फिर आपको उसको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। अंदर में जूते अलाउड नहीं है और यहाँ जूता रखने का अलग से कोई जगह नहीं है। ये भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल ही है और यहाँ पे उनका स्टैचू भी है जिन्होंने जापान में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। मतलब इसको सिर्फ बनाने में नहीं, इसको मेंटेन करने में भी बहुत मेहनत लगता होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ इसके, यहाँ पे ये ड्रैगन के मुंह जैसा बना हुआ है। ज्यादातर टेम्पल में ऐसे ड्रैगन का ही रहता है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहता है। ये है यहाँ पे हाथ धोते हैं मंदिर में जाने से पहले।
बहुत सुंदर जगह है। तो मैं अभी अंदर से घूम के आई इस टेंपल में। तो दोनों टेंपल में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अंदर में गोल्ड प्लेटेड है पूरा दीवार वार सब कुछ, और बुद्धिस्ट टेंपल है ये, तो बुद्ध स्टैचू है। बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर जगह है ये। क्योटो स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है, आप आराम से चल के आ सकते हैं यहाँ पे। बस भी आता है सामने, पर बस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप चलने में कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल चल के आ सकते हैं। तो फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, और मुझे बताइए आप टोक्यो में या जापान में कौन सी जगह देखना चाहते हैं। अगर मेरे पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाके फिर वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।